गोजरी जबान में अपडेट सुनिए। मोदी हुकूमत अपनी प्रोपेगंडा मिशनरी के जरिए मकबूजा जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत ना दुनिया के सामने छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। भारत झूठो प्रोपेगंडा करके दुनिया ना गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रही है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के बीच अमन बहाल हो रही है। भारत दुनिया ना यो दसन की कोशिश कर रही है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के बीच नाम नहाद अमन और तरक्की को नो दौर शुरू हो गया है। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर की मईशत तबाह और बर्बाद हो चुकी है। लखा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ताजर और दुए कारोबारी हजरात मोहताजी से दो चार हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के कश्मीरी आवाम के ऊपर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर ने नौ आबादियाती ग्राउंड की कोशिश और ज़्यादा बढ़ा दी है। 47 लाख गैर कश्मीरियों के वास्ते रियासती डोमिसाइल को इजरा और कश्मीरी आवाम की जायदाद व इमदाद की जब्ती भारतीय दावे की नफी के वास्ते काफ़ी है। खौफ और दहशत को माहौल पैदा करने के वास्ते मकबूजा जम्मू कश्मीर ने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी के बीच बिठा दिया है। 10 लाख से ज़्यादा भारतीय फौजी हर तरह को जुर्म कर रहा है। इंसानी हकूक का महफूज और साफी भी भारतीय दहशतगर्दी से महफूज नहीं है। हर तरफ हुक्म आलम है। भारतीय हरदर्मी तनाज़ कश्मीर का हल और खित्ता की अमन और सलामती और तरक्की की राह के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ ने पूरा जनूबी एशिया का अमन और इस्तकाम ना दाव के ऊपर लाए हुआ है। मसला कश्मीर कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने के बगैर खित्ता के बीच पायदार अमन और इस्तकाम मुमकिन नहीं है और भारतीय हुक्मरान जितनों जल्द हो सकें इस खित्ता का अमन ना भी और पूरी दुनिया का अमन ना बचाने के वास्ते इस मसला ना हल करने के वास्ते आगे आए और मसला कश्मीर का हल के नाल अमन और इस्तकाम और खुशहाली जुड़ी हुई है।